रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके नए मिसाइल डिफेंस सिस्टम बक M3 की खूबियां बताई गई। दावा किया गया कि यह यूक्रेन में जारी जंग की शक्ल बदलने की ताकत रखता है, क्योंकि इसमें लगा शक्तिशाली रडार सिस्टम दुश्मन की हर मिसाइल को ढूंढकर उसे तबाह करने के लिए ही बनाया गया है। रूस की तरफ से जारी किए गए वीडियो में इसके काम करने का तरीका दिखाया गया, जिसमें रडार सिस्टम अपनी रेंज में आने वाली चीजों की तलाश करता नजर आया। जैसे ही हलचल हुई, उसमें एक मिसाइल हवा की रफ्तार से अपनी तरफ आते खतरे को तबाह करने निकल पड़ी। और इसे रूस का रक्षक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रूस की सेना ने इसे खास तौर पर यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल करने के लिए ही तैयार किया, जिसके लिए इसके पुराने मॉडल में कई तब्दीलियां की गई। रूस के मुताबिक इस वक्त ये उसकी सेना का सबसे बड़ा हथियार है, यानी उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-300 से भी ज्यादा ताकतवर है। रूस का यह रक्षक दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने की ताकत रखता है। इसके अलावा यह अपनी रेंज में आने वाले हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट और मिसाइलों को भी तबाह कर सकता है। इस डिफेंस सिस्टम में 6 मिसाइल होती हैं, जो कि रडार सिस्टम से मिलने वाली जानकारी के बाद एक्टिव होती हैं। इसे चलाने के लिए 4 लोगों की जरूरत होती है, जिनके इशारे पर यह 70 किलोमीटर दूर मौजूद ठिकाने तक मिसाइल हमले कर सकता है। इस बीच खार्किव में यूक्रेन ने रूस के खिलाफ युद्ध अपराध के सबूत ढूंढने का काम तेज कर दिया। इसके लिए यूक्रेन की सेना ने लिथुआनिया की भी मदद ली, जिसके बाद खार्किव में उन इलाकों की तरफ रुख किया गया जहां रूसी सेना का कुछ समय के लिए दबदबा था। वहां उन्होंने जमीन को खोदने का काम तेज कर दिया ताकि वो उनके खिलाफ युद्ध अपराध के सबूत जुटा सकें और ये साबित कर सकें कि पुतिन की फौज ने यूक्रेन में किस कदर तबाही मचाई है। जो तस्वीरें वहां से सामने आई, उनमें यूक्रेन के कुछ फौजी लिथुआनिया के साथियों के साथ मिलकर अलग अलग जगहों पर गड्ढे खोदते नजर आए। उन्हें कहीं से रूसी सैनिकों के जूते मिले तो कहीं से उनके यूनिफॉर्म के कुछ टुकड़े। उन्होंने दावा किया कि कुछ शव तो उन्हें ऐसे भी मिले जो बेहद खराब हालत में है, जबकि रूस के कुछ सैनिकों के शवों को उन्होंने अपने पास कुछ समय के लिए सुरक्षित रखने की बात कही। हालांकि युद्ध अपराध के सबूत जुटाने की कोशिश के दौरान इन सैनिकों को काफी दिक्कतें भी उठानी पड़ी। उनके लिए शवों की पहचान करना मुश्किल हो गया, जबकि कुछ के साथ उनके पहचान पत्र ने इस काम को थोड़ा आसान कर दिया।